अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पार्ट 4 और इस पार्ट में हम देखेंगे एक यूजर का स्टेटस, मींस कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। फॉर एग्जांपल मरियम है, तो मरियम ये देख सके कि रहमान और इकरा ऑनलाइन है या कौन इसमें से ऑनलाइन है, कौन जो है वो ऑफलाइन है। अब ये फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होगी, तो हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लाइव चैट की एक डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है और उसमें एक यूजर का टेबल जो है हम लोगों ने क्रिएट कर लेना है। ये कोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थर्ड पार्ट में, बट हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे यूजर के स्टेटस पर, बिकॉज ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर का स्टेटस ऑफलाइन है या यूजर ऑफ ऑनलाइन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट कर ली है, हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर लिया यूजर का। अब यूजर के टेबल में हम लोगों ने एक जो है वो कॉलम बनाना है स्टेटस के नेम का। स्टेटस के नेम का कॉलम की जो टाइप है हमारे पास क्या है जी, वॉचर, और लेंथ कितनी है, 250। ओके, अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, इंडेक्स की फाइल में मूव करना है। हम लोगों ने साइन अप यूजर्स, तीन यूजर्स हमारे साइन अप हो चुके हैं एज यू कैन सी हेयर, और स्टेटस पर कुछ अफेक्ट नहीं हुआ एज यू कैन सी हेयर। ओके, हम लोगों ने मरियम को भी साइन अप करवाया, रहमान और इकरा, और स्टेटस का जो कॉलम है अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया। अब हम लॉग इन जब करवाएंगे मरियम को, तो जो है लॉग इन के पेज में स्टेटस की फंक्शनैलिटी है। तो हम लॉग इन के पेज पर अगर मूव करें, एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले हमारे पास जो लॉग इन का पेज होगा, लॉग इन एक्शन डॉट पी एच पी की फाइल पे। अच्छा, हमारे पास एक लॉग इन फॉर्म का पेज था। फॉर्म में क्या था, लॉग इन फॉर्म में हमारे पास लॉग इन फॉर्म में ये फॉर्म था, उसमें दो फील्ड थी और उस फील्ड की जो इनपुट के नेम्स हैं उन फील्ड्स की, वो ये है एज यू कैन सी हियर, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ओके, मींस सबमिट बटन का जो नेम है वो क्या है जी, सबमिट, और हमारे पास जो ईमेल इनपुट फील्ड है उसका नेम ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे हम लोगों ने गेट करके वेरिएबल में स्टोर कर करवा लिए जी। हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने क्यूरी को रन किया है SQL की, ये हमारा कोड रन हो रहा है। फिर हमारे ईमेल मैच, जो कि प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज किया है, फिर हमारे यहाँ पे ईमेल मैच होगी। फिर हम लोगों ने बाइंड पैरामीटर्स का यूज किया फंक्शन का, हम लोगों ने यहाँ वाइल का यूज किया है, फिर हम लोगों ने पासवर्ड मैच हुए। तो सेशन के थ्रू हम लोगों ने तमाम वेरिएबल्स को गेट कर लिया है, मीन्स की तमाम वेरिएबल्स को सेव करवा लिया है, और हमारा अब ये जो है वो स्टेटस का कोड है। ठीक है, तमाम कोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी पार्ट 2 में, सो हम लोग उसे रिपीट नहीं करेंगे। स्टेटस पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है जी, जब यूजर लॉग इन के बटन पे क्लिक करे तो क्या हो, हमारा स्टेटस अपडेट हो जाए एक्टिव नाउ पर, और एक्टिव नाउ पर स्टेटस अपडेट होगा तो अब डेटाबेस में भी तो जाके सेव हो। तो हम लोगों ने क्यूरी यूज की है जी, यहाँ पे क्यूरी का वेरिएबल यूज किया है, और उसमें हम लोगों ने क्या पास किया जी, अपडेट यूजर के टेबल को अपडेट कर दे, ये वाला यूजर का जो टेबल है वो अपडेट कर दे, और सेट स्टेटस जो है स्पेलिंग शुड बी सेम, अदरवाइज इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। ओके, ये वाला स्टेटस हम लोगों ने पास कर दिया, वेयर यूजर आई डी इक्वल टू यूजर आई डी, ये वाली यूजर आई डी सेशन के थ्रू हम लोगों ने यूजर आई डी ली थी ना, मीन्स के हम लोगों ने जो यूजर उस वक्त ऑनलाइन होगा उसका स्टेटस आप क्या कर दो जी, एक्टिव नाउ, और हम लोगों ने इस क्यूरी को जी रन कर दिया। ओके, अच्छा, हम लोगों ने कनेक्शन की फाइल का यूज किया था config.php, इसमें हमारा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है जी, आप लोग देख सकते हैं ये हमारी कनेक्शन की फाइल है, और हम लोगों ने स्टेटस को अपडेट कर दिया। ओके, अगर मैच्ड हुआ तो चैट इंडेक्स पे चले जाएं, अगर नहीं हुआ तो स्टेटस पासवर्ड नॉट मैच, अदरवाइज ईमेल नॉट मैच, क्योंकि यहाँ पे हमारी इफ एल्स इफ की जो है वो ब्रैकेट क्लोज है एज यू कैन सी हियर, ये ठीक है। इस स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट, इसमें क्या हो रहा है जी, ईमेल को चेक किया जा रहा है, ठीक है, और फिर हमारे पास कोड सेम है, सिर्फ हम लोगों ने क्या देखना था, हम लोगों ने स्टेटस का कोड देखना था। अब हम लॉग इन करेंगे तो एक तो डेटाबेस में चेंज हो जाएगा कि यूजर का स्टेटस क्या होगा, एक्टिव नाउ। अगर हम लोग रन करें तो देखें क्या ये हो रहा है कि नहीं, क्या
पासवर्ड रॉन्ग है जी, हम लोग दोबारा पासवर्ड डालते हैं, मरियम 123 था। ओके मरियम ऑनलाइन हो चुकी है और हम डेटाबेस में जाके देखेंगे कि मरियम ऑनलाइन। यस एज यू कैन सी हियर, अब हमारा स्टेटस कैसे अपडेट होगा कि मरियम ऑफलाइन हो जाए। जब मैं लॉगआउट के बटन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा ऑफलाइन का। अब कोड देख लेते हैं हमारा जी। ये हमारे पास पेज था चैट इंडेक्स का, चैट इंडेक्स पर एक बटन है लॉग आउट का, चैट इंडेक्स पर एक बटन है लॉग आउट का। ओके हमारे पास बटन की स्टाइलिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक स्टाइलिंग है। फिर हमारे पास ये एक टैग यूज है ए में, हमारे पास कहाँ पे किस पेज का लिंक है जी, लॉग ऑफ डॉट पी एच पी। और लॉग ऑफ डॉट पी एच पी के पेज पे हमारे साथ क्या जाएगा, लॉग आउट की आईडी। अब ये लॉग आउट की आईडी कौन सी होगी, जो सेशन करंटली यूजर लॉग इन होगा। इस लॉग आउट की आईडी में हम लोगों ने क्या सेव करवाया, जो यूजर जो है करंटली लॉग इन होगा। ओके यहाँ सेशन हम लोगों ने यूज किया, हम लोगों को सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा जो ऊपर हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सेशन स्टार्ट है, सेशन आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ओके अब ये हमारे पास जी इको इस आईडी में सेव हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास लॉग आउट का बटन है। अगर मैं लॉग ऑफ की फाइल पे जाती हूँ तो ये लॉग आउट की आईडी वहां पे यूज है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये लॉग आउट की आईडी को मैंने गेट मेथड के थ्रू गेट किया, उसकी वैल्यू को मैंने आईडी में स्टोर करवा दिया। मींस ये वो वाला यूजर होगा जो करंटली जो है वो लॉग इन होगा। हम लोगों ने जी कनेक्शन बिल्ड किया, सेशन स्टार्ट किया, स्टेटस ऑफलाइन। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, जैसे यूजर लॉग आउट के बटन पे क्लिक करे तो स्टेटस क्या हो जाए, ऑफलाइन, और वो डेटाबेस में यूजर के टेबल में जाके स्टेटस सेव हो जाए। और किसका स्टेटस सेव हो, ऑफलाइन, जो यूजर करंटली लॉग इन हो। अब ये आईडी ये वाली है, यूजर आईडी को टू आईडी। ओके हम लोगों ने क्यूरी को रन किया, हम लोगों ने कहा रिजल्ट आ गया, तो क्या हो जाए, सेशन अनसेट हो जाए, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए और हम लोग इंडेक्स की फाइल पर मूव कर जाए और एल्स एरर आ जाए। ओके कि क्या वाकई लॉगआउट के बटन पे क्लिक करती हूँ तो क्या यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा ऑफलाइन का। अगर मैं लॉगआउट के बटन पे क्लिक करती हूँ तो वाकई मैं लॉग इंडेक्स के पेज पे मूव हो चुकी हूँ और यहाँ पे स्टेटस शो हो गया जी मुझे ऑफलाइन का। ठीक है ऑनलाइन और ऑफलाइन का स्टेटस हमारा डेटाबेस में अपडेट हो रहा है। और हम लोग फ्रंट एंड की कोडिंग को देखते हैं, मरियम ऑफलाइन है, हम लोग मरियम को ऑनलाइन करते हैं, मरियम जी ऑनलाइन हो चुकी हैं, एक्टिव नाउ। ओके अब मरियम देख रही है जी रहमान है और इकरा टू यूजर्स हैं। अच्छा इसकी कोडिंग हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं इस टेबल की। ओके ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड दो डॉट्स हैं, मीन्स कि अब्दुल रहमान भी ऑफलाइन है, इकरा भी ऑफलाइन लाइन है। ठीक है अब ये कैसे हो रहा है, हम चैट इंडेक्स के पेज पे मूव करेंगे। चैट इंडेक्स के पेज पे हमारे पास, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि यहाँ पे हम लोगों ने आईडी का यूज किया था, यूजर डिटेल्स, और इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया था, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का यूज किया था। एज यू कैन सी हियर, ये कोड भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोगों ने फेच यूजर डॉट पी एच पी के पेज पे मूव करना है। और इस पेज पे हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग्स जो है डिस्प्ले करवाई थी टेबल्स की, ये देखिए यहाँ पे हेडिंग्स। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, पेज की जो कोडिंग को दोबारा देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन को बिल्ड किया, यहाँ सेशन स्टार्ट की है, हमारी क्यूरी जो डेटाबेस से तमाम डेटा फेच करके ला रही है और उस यूजर का डेटा नहीं फेच करके ला रही जो यूजर ऑनलाइन है। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मरियम ऑनलाइन है तो मरियम का रिकॉर्ड नहीं आ रहा और तमाम यूजर्स का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर हम लोग इस नॉट को हटाएं तो आप देख सकते हैं, आप मरियम का भी रिकॉर्ड शो होगा। आप देखिए मरियम का रिकॉर्ड शो हो रहा है और किसी का नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कहा है उस यूजर का ही रिकॉर्ड शो करवाएं। ठीक है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, मीन्स कि हम लोगों ने कहा वेयर यूजर आईडी को टू यूजर आईडी। ठीक है हम लोगों ने कहा यूजर आईडी को टू यूजर आईडी ना हो बल्कि उसके अलावा तमाम रिकॉर्ड शो हो जाए। और ये खुद बहुत क्यों विदाउट रिफ्रेशिंग हो रहा है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट्स को रन करें हमारी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारा एक टेबल क्रिएट हुआ है, टेबल्स के जो है हेडिंग्स
और हमारा जी ये वाला काम का कोड आ गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास काउंट इक्वल टू जीरो। ये काउंट इक्वल टू जीरो क्या शो करवा रहा है, ये ऑनलाइन यूजर्स, ठीक है। ऑनलाइन यूजर्स कितने हैं, क्योंकि मरियम खुद ऑनलाइन है, मरियम को नहीं पता कितने यूजर्स ऑनलाइन है। टोटल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 to 60 यूजर्स है, तो मरियम को कैसे पता चलेगा कि कितने यूजर ऑनलाइन। दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये फंक्शनैलिटी, इस फंक्शनैलिटी को यूज किया, और ये भी हम थर्ड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हमारे पास जी फॉर इच का लूप यूज है। यहाँ पे रिजल्ट का वेरिएबल जो है वो ये वाला है। हम लोगों ने ये जो क्यूरी रन की थी आप देख सकते हैं, हम लोगों ने फेचिंग की है डेटा की, और यहाँ स्टेटमेंट्स को रन किया, यहाँ रिजल्ट का वेरिएबल। अब हम लोगों ने रिजल्ट के वेरिएबल एज रो का वेरिएबल लिया है, और रो में हम लोगों ने स्टेटस पास किया है, स्टेटस पे एक्टिव नाउ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्टेटस एक्टिव नाउ है तो स्टेटस में क्या सेव हो गया, हमारे स्टेटस में एक सर्कल सेव हो जाएगा, और सर्कल ग्रीन कलर का और ये रेड कलर का। अच्छा, ये ग्रीन कलर रेड कलर क्या है जी, पापा का यूज किया हम लोगों ने। और ब्लू कलर में हमारे पास कलर ब्लू आ जाएगा, अगर मैंने ग्रीन कलर यूज किया तो उसमें ग्रीन कलर आ जाएगा, अगर मैंने टील कलर यूज किया टील आ जाएगा, येलो कलर में येलो और रेड कलर में रेड आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने जी क्या किया, स्टेटस हमारे पास रेड आ जाएगा अदरवाइज, क्योंकि अभी हमारे पास क्या स्टेटस शो हो रहे हैं, अभी हमारे पास स्टेटस है जी रेड, मींस के दोनों ऑफलाइन है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टेटस की कहानी हुई खत्म। हमारे पास जेंडर है, मींस जेंडर फीमेल हुआ, तो हमारे पास क्योंकि हम लोगों ने इफ का क्यों यूज किया, क्योंकि अब हम लोगों ने ये भी करना है कि मेल हुआ तो पिक्चर फीमेल, सॉरी मेल हुआ तो पिक्चर मेल, फीमेल हुई तो पिक्चर फीमेल। दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज किया। तो यहाँ पे आउटपुट क्या शो होगी, आप देख सकते हैं फीमेल की पिक्चर है, यहाँ पे हम हमारा फीमेल की पिक्चर के बाद थोड़ी स्पेसिंग के बाद स्टेटस शो होगा। आप देख सकते हैं पिक्चर के बाद स्टेटस, स्टेटस के बाद नेम उस स्पेसिफिक यूजर का, आप देख सकते हैं ये रो नेम। ये जो वेरिएबल्स है ना ये डेटाबेस से सेम होने चाहिए। ओके, एज इट इज हम लोगों ने यहाँ भी काम करना है, अगर पिक्चर जो है मेल की हुई तो हमारा इसी तरह हमारी पिक्चर मेल की शो हो जाए, या हम लोगों ने डायरेक्ट गूगल से उठाई है जी लिंक, उसका स्पेसिंग के बाद स्टेटस शो हो जाए, और फिर हमारे पास नेम शो हो जाए। ओके, उसके बाद हमारे पास इमेज भी एक नेक्स्ट जो है कॉलम में शो हो जाए, फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में एक बटन शो हो जाए स्टार्ट चैट का, और इसमें जो कोडिंग है वो अभी हम इग्नोर करेंगे। ओके जी, हमारे पास उसके बाद हमारे पास जो ये ब्रैकेट क्लोज है, चाहिए दो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स ये एल्स की है, और ये हमारे पास फॉर ईच की है एज यू कैन सी हियर, ठीक है। फॉर ईच में दो चीजें हमारे पास पास हो रही थी, एक हमारे पास स्टेटस और एक हमारे पास के मेल है और फीमेल। उसके बाद हमारे पास जी इफ स्टेटमेंट का है, उसमें हम लोगों ने काउंट का वेरिएबल पास किया है, काउंट का वेरिएबल ये पास किया है, ठीक है। काउंट करेंगे जी कितने यूजर ऑनलाइन और कितने ऑफलाइन, और काउंट का जो कोड था वो हार्डली थर्ड थ्री लाइंस का था। एज यू कैन सी ना काउंट में हम लोगों ने जीरो पास किया, मीन्स पहले जो हमें जीरो शो रहा है। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन जी, जितने प्लस वन होंगे तो उतने हमें नजर आ जाएंगे। और हमारे यहाँ पे पीएचपी का कोड एंड है, स्टार्टिंग फर्स्ट पे था एज यू कैन सी हियर हमारे पास। फिर हमारे पास जी क्या जी आउटपुट इक्वल टू, ये हमारे पास लूप का है, और डॉट, और ये हमारे पास टेबल, और इको कर दो टेबल को, अब हमें टेबल नजर आने लग पड़ेगा। ओके, ये हमारे पास था जी स्टेटस का कोड, एक यूजर कैसे ऑनलाइन होगा और एक यूजर कैसे ऑफलाइन होगा। ओके जी, अब हम रहे इकरा को ऑनलाइन करते हैं, देखते हैं कि क्या मरियम को शो हो रहा है कि इकरा ऑनलाइन है कि नहीं। तो हम लोगों ने न्यू विंडो ओपन कर ली, और न्यू विंडो में हम इकरा को ऑनलाइन करवाते हैं। एज यू कैन सी हियर इकरा तो क्या शो हो रहा है जी, इकरा हाई, इकरा मरियम ऑनलाइन है, और ऑनलाइन यूजर्स टोटल कितने हैं वन। ओके, यहाँ पे इकरा को क्या शो हो रहा है जी, मरियम को क्या शो हो रहा है, मरियम इकरा है, इकरा ऑनलाइन है, और टोटल यूजर्स क्या है जी वन। ऑनलाइन ग्रीन में शो होगा और ऑफलाइन रेड में शो होगा, ठीक है। ये हमारे पास था जी कोड ऑनलाइन और ऑफलाइन का। That's it. If you learn something from my video, don't forget to subscribe my channel and like my video and share my channel. Thank you.